ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जिसमें पावर एन वगैरह होती है, इसको हम रिडक्शन फार्मूले का भी नाम देते हैं। और ऐसे हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन किए थे। क्या है देखो, आई एन इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर टेन की पावर एन एच डी एक्स, ये आई एन है। शो दैट आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन, है ना। एंड फाइंड आई फाइव, आई फाइव की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन, ये हमें प्रूफ करना है और हमें आई फाइव की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान दो, हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है, क्या है बोलो, आई एन, आई एन माइनस टू। देखो आई एन की वैल्यू ये है जीरो टू पाई बाई फोर टेन की पावर एन एक्स, है ना। और देखो आई एन माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, एन की जगह पर एन माइनस टू रख दिया जाए, है ना। आई एन का मतलब टेन की पावर एन, आई एन माइनस टू क्या होगा, टेन की पावर एन माइनस टू, ठीक है। देखो ध्यान दो, इन दोनों को हम एक ही इंटीग्रेशन में लिखें। देखो ये है 10 की पावर nx और ये है 10 की पावर n माइनस 2x, है ना। इन दोनों को हम सेम इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, ध्यान। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 0 टू पाई बाई 4। यहाँ पर देखो हमें काम ये कर सकते हैं, 10 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x और dx, है ना। 10 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 0 टू पाई बाई 4 और देखो यहाँ पर tan n माइनस 2x, 1 प्लस टेन स्क्वायर x, देखो ये हो गया sec स्क्वायर x dx, ध्यान दो, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर x, इन दोनों में से देखो 10 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो देखो ये हो गया था 1 और यहाँ पर ये टेन स्क्वायर x बचेगा। अगर हम इन दोनों में से 10 की पावर n माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये तो होगा 1 प्लस, ये बचेगा इसकी जगह पर बचेगा 10 स्क्वायर x। अब देखो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या होगा, अगर हम tan x को t मान लें, है ना, तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। देखो तो ये इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, x अगर 0 है तो t हो जाएगा 0, x अगर पाई बाई 4 है तो t हो जाएगा 1, है ना। x अगर 0 है तो t 0 हो जाएगा, x अगर पाई बाई 4 तो t 1 हो जाएगा। और देखो tan x को t माना है तो t की पावर n माइनस 2 sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt, ठीक है। अब देखो यहां पर x की पावर n का लगाओगे फार्मूला तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 टू 1, तो t की जगह पहले 1 रखेंगे तो 1 अपॉन एन माइनस 1, फिर t की जगह 0 रखेंगे सब कुछ 0, तो वो 1 अपॉन एन माइनस 1, ये हमें प्रूफ करना था और हमने देखो इस रिजल्ट को यहाँ पर आसानी से प्रूफ भी कर दिया, 1 अपॉन एन माइनस 1, है ना। इस रिजल्ट को देखो हमने यहाँ पर काफी आसानी से प्रूफ कर दिया। अब देखो हमें चाहिए क्या है, हमें एक्चुअली यहाँ पर आई फाइव भी चाहिए। देखो जैसे आई फाइव जो निकालेंगे, I5 मतलब 10 की पावर 5 का इंटीग्रेशन। अब 10 की पावर 5 का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, हम लोगों ने किया ऐसे क्वेश्चन रिडक्शन फार्मूले में इनडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पर हम इसकी हेल्प से इसको निकालेंगे, है ना। जो हमने पहले किया है इसी की हेल्प से हम I5 निकालेंगे, बिना इसकी हेल्प के भी I5 निकल आएगा 10 की पावर 5 का इंटीग्रेशन। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने इनडेफिनिट में किए हुए हैं काफी, लेकिन जब हमारे पास उससे और आसान मेथड है तो हम उससे ही निकालेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर, तो वो ये क्या है, आई एन की वैल्यू यहां से क्या होगी, ये होगी 1 अपॉन एन माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2, आई एन की वैल्यू। आई 5 चाहिए, एन की जगह 5 रख दो तो 1 अपॉन 4 माइनस आई 3, ठीक है। आई 5 चाहिए, एन की जगह पर 5 रख दो। अब जैसे अगर आई 3 चाहिए तो एन की जगह पर 3 रख दो, इसी से i3 निकाल लो, n की जगह 3 रखोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 2
माइनस ये हो जाएगा आई वन, है ना, आई थ्री। तो देखो ये हो गया 1/4 माइनस आई थ्री की वैल्यू क्या हो गई 1/2 माइनस आई वन, आई थ्री निकाल लिया यहीं से। अब आई वन चाहिए तो आई वन हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो आई वन, आई वन का मतलब इसमें एन की जगह वन रखो, तो आई वन क्या होगा 0 to π/4 और 10x, है ना, 10x, 10x 0 to π/4, ये हमारा आई वन होगा। अब 10x का इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं क्या होता है, बोलो log sec x, तो ये हो जाएगा log sec x 0 to π/4। अब पहले x की जगह रखोगे π by 4, तो log sec π by 4, log sec π by 4 का मतलब क्या हुआ log of root 2, फिर sec 0 की वैल्यू 1 तो log 1 हो जाएगा 0, तो ये बचेगा क्या बोलो, ये बचेगा log root 2 base e। ऐसा देखो यहाँ पर ये सिर्फ आएगा, x की जगह π by 4 रखा तो log sec π by 4, log root 2, पर x की जगह पर 0 रखा तो sec 0 क्या हो गया 1 और log 1 क्या हो गया 0, तो log root 2। तो देखो यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है log root 2, ये यहाँ पर रखनी है। तो क्या हुआ देखो ये 1/4 माइनस 1/2 प्लस I1, I1 का मतलब क्या हो गया बोलो log root 2। तो देखो फाइनली यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना, log root 2 और ये मिलके हो जाएगा माइनस 1/4, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखो यहाँ पर आ जाएगा ध्यान, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन है करना है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको जरा।